आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। महागामा एसडीपीओ के सिंह के नेतृत्व में चार मोस्ट वांटेड अपराधियों को महागामा थाना क्षेत्र के रावियाडी से पकड़ा गया, जिससे कि एक देशी कट्टा, मोबाइल और बम बनाने के सामान बरामद किए गए। साथ ही साथ एक हुंडई i10 कार, एक गाड़ी भी बरामद की गई। वहीं चार पकड़े गए अपराधियों में से मास्टरमाइंड दीक्षित मिश्रा, जो कि सामू के तहत सिमरपुर पंचायत का रहने वाला है, वहीं बताया कि पहले भी यह अपराधी कई केस में रह चुका है। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय गिरोह में भी अपराध कर चुका है। कई सालों से जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया हुआ था। साथ ही एसडीपीओ महागामा के सिंह के द्वारा बताया गया कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के पहले इसे पकड़ लिया गया, नहीं तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सतर्क हो रहे थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का। के कल दिनांक 23/24 12:20 को रात्रि में गोड्डा जिला का मोस्ट वांटेड अपराधकर्मी दीक्षित मिश्रा उर्फ दिकुआ गिरफ्तार किया गया है। और वो जो गिरफ्तार किया गया है उसमें दीक्षित मिश्रा के पास से कमर में खोसे हुए हालत में एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। और जिस गाड़ी पर i10 जिस गाड़ी पर चार अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उसमें दिकुआ के अलावा तीन और इसके सहयोगी साथी हैं। इसमें जो सहयोगी साथी हैं मफीजुद्दीन अंसारी, अनूप कुमार झा और मोहम्मद मुन्ना शाहिद, ये भी सब मिलकर अपराध की योजना बना रहे थे, उसी बीच पकड़े गए हैं। और इनके पास जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे उन गाड़ी से एक झोला भी बरामद हुआ है, जिसमें एक शीशा के बोतल में मिश्रण था गन पाउडर और पोटासियम क्लोरेट का, और इसके बाद सल्फर, आर्सेनिक सल्फाइड, ये अलग अलग रखा हुआ था, जिसको अगर मिक्स करके और हिला करके अगर फेंकते हैं तो काफी हाई एक्सप्लोसिव का ये काम करता है। तो इस तरह से ये इस विस्फोटक के साथ और एक देसी पिस्तौल के साथ ये लोग चार लोग टोटल पकड़े गए हैं। दीक्षित मिश्रा के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि यह कई दर्जन हत्या, डकैती, लूट आदि कांडों में संलिप्त रहा है और दर्जनों कांडों में ये आरोप पत्रित रहा है। जेल गया था 2009-10 में वो जेल गया था और जेल में वो लंबे समय तक करीब 10-11 वर्षों तक वो जेल में रहा और हाल ही में करीब 1.5-2 महीना पहले ये छूटा था। इस पर काफी हम लोगों ने वाच लगाया था, परंतु आज ये इस तरह के संगीन कार्ड आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत पकड़ा गया है। पहले भी सर यहाँ लोकल में घटनाओं को अंजाम दिया गया पहले के द्वारा? हाँ, इसके आपराधिक पृष्ठभूमि की सूची मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। दर्जनों कांडों में जिस कांड में ये आरोपित रहा है, जेल गया है और ट्रायल चल रहा है, ट्रायल फेस कर रहा है और जमानत, पहले के कांडों में जमानत पर ये छूटा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ महागामा के थाना के कांडों में बल्कि ललमटिया के थाना के कांड हैं, टाउन थाना गुट्टा के कांड हैं और भागलपुर के कांड हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह का ये शार्प शूटर था और पहले भी जो इसने
जो घटनाओं को अंजाम दिया था, तो वो छुप के रहना और आकर और हत्या करके और फिर जो है फरार हो जाना, फिर जिस दिन निकलना वो अज्ञात जगह से तो वो फिर शूट करता था। इस तरह से ये काफी टेरर के रूप में पहले से ये जाना जाता रहा है और इधर हाल में छुटा था और फिर ये